हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति। और कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो विंटर्स है, तो विंटर्स में फिर कुछ हमको विंटर की स्टाइलिंग के ऊपर या विंटर क्लोथ्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो जैसा कि आपको टाइटल्स में पता चल रहा होगा, ये आज वीडियो जो होने वाला है वो है फ्लिपकार्ट विंटर हॉल। तो शुरू करते हैं। और बट बिफोर दैट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें, सो दैट उनको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज जो मैं आपको फर्स्ट कुर्ती दिखाने वाली हूँ वो है ब्रांड मैक्स की। और ये जो कुर्ती है, ये सारी विंटर कुर्तीज़ हैं। तो इनकी जो आप स्लीव्स देख रहे हैं, फुल स्लीव्स हैं। एंड इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट है, वो वैसा वाला नहीं है जो थोड़ा ईची सा होता है ना, उस तरीके से नहीं है। और ये ए लाइन कुर्ती है, साइड में इसके स्लिट है। और ये देखिए, ये इसके ऊपर इन्होंने ये ऑरेंज कलर की एक वीविंग दी हुई है इसी में। तो आप इस कुर्ती को या तो जीन्स वगैरह के साथ पैर कर सकते हो, या ऑरेंज कलर के आप लेगिंग या फिर प्लाजोज के साथ भी पैर कर सकते हो, या स्कर्ट्स के साथ भी कर सकते हो। बहुत अच्छी लगती है विंटर में और इस तरीके की कुर्ती। और अगर आप इसको एक साइज बड़ा लोगे, मैं तो खैर यूजुअली एक साइज बड़ा ही लेती हूँ, सो दैट उसे पहनना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वार्मर्स वगैरह भी सब लोग पहनते हैं। और विंटर इज समथिंग थोड़ा सा लेयरिंग हो जाती है जो हम पहने होते हैं उसी के ऊपर, कि अगर शॉर्ट कुर्ती या आपने टॉप डाला हुआ है उसके ऊपर भी आप डाल के आराम से जा सकते हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड इसका ये लुक भी बहुत सुंदर आता है। नेक्स्ट जो आती है वो है ब्रांड ऑरेलिया की कुर्ती। उसको तो कोई भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि ऑरेलिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। और बहुत ही उनके ब्यूटीफुल कुर्तीज़ होती हैं, फिर चाहे वो कॉटन में हो चाहे वो एक्रिलिक में। तो ये जो विंटर कुर्ती है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ऑरेलिया का तो खैर कहना ही क्या। एंड ये इन्होंने जो ये नेक दिया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक। ये जो इसका नेक है, ये इन्होंने पूरी गोल्डन एंड सिल्वर इसके ऊपर वीविंग की हुई है थ्रेड से, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो आप अगेन आई वुड से कि इसको भी आप किसी जीन्स के ऊपर तो यूजुअली हम कैरी करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसे कंट्रास्ट में येलो के साथ या इसके क्योंकि इसमें गोल्डन एंड सिल्वर है, तो आप कंट्रास्ट भी ले सकते हो। जैसे येलो तो इसके साथ जाएगा ही बहुत अच्छे से, बट उसके अलावा आप वाइट के साथ, ऑफ वाइट के साथ, या फिर अगर आप पिंक के साथ पेयर करोगे बहुत अच्छा लगेगा ये। सी नेक्स्ट जो आती है वो है ब्रांड एनमी। AMI, तो मुझे लगता है एनमी ही होना चाहिए। और ये है प्लाजो, ये इलास्टिकेटेड है एंड विंटर प्लाजो है। और ये देखिए, इसमें नीचे इन्होंने इस तरीके से बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, स्ट्राइप्स दी हुई हैं, तो एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न बनता है। तो ये एक प्लाजो है। और विंटर में वार्मर्स वगैरह पहनते हैं तो वैसे भी बहुत हम मोटे से लगने लगते हैं आई वुड से, बट अगर हम इस तरीके की कोई प्लाजो ट्राई करते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो अगेन इसको आप ब्लैक कुर्ती के साथ या फिर विंटर टॉप के साथ, कोई अच्छे से पुलओवर के साथ पहनेंगे, या फिर इसी जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है ग्रीन है, तो इसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर ब्लैक कलर की कुर्ती के साथ, या फिर आप किसी विंटर प्लोवर्स पहनते हो उस तरीके से भी आप इसे पेयर कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी है, और इसका जो फैब्रिक है ना, मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब इसका अच्छा वाला इन्होंने यूज़ किया हुआ है, एक्रिलिक जो है रफ नहीं है, तो ये ब्रांड बहुत अच्छा है। मैंने तो फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगेन ये भी उसी ब्रांड का है,
एनमी का, और ये सारी कुर्तीज मैंने एक्सल साइज में ही ली हुई है, सो दैट मैंने आपको बताया बहुत कंफर्टेबल रहता है। हाँ, इसमें पॉकेट भी है, और अगेन पॉकेट तो बस कहते हैं ना, एक हमको बहुत स्पेशल सी चीज मिल जाती है अगर कुर्ती में पॉकेट होती है। तो ये देखिए, ये इसमें इस तरीके से शॉर्ट नेक है, एंड आगे ये इन्होंने इस तरीके का एक प्रिंट बनाया हुआ है, एक नेक प्रिंट जो होता है ना वो, और फुल स्लीव्स है सारी, तो बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। इसको आप फिर कोई ब्लैक के साथ या फिर किसी भी कंट्रास्ट के साथ, पिंक के साथ आप बहुत सारे ऑप्शंस है, पिंक के साथ आप ब्लू लगाइए या पर्पल लगाइए, या ब्लू के साथ ब्लैक, पिंक के साथ ब्लैक, या कुछ भी इस तरीके का पेयर करेंगे ना, बहुत सुंदर लगने वाला है। तो और पिंक तो बहुत सुंदर कलर होता है, वैसे तो सारे कलर बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं। और अगेन आई एंड अप विद दिस मरून कुर्ती, ये भी ब्रांड एनमी की ही है। इसका ये इस तरीके से शॉर्ट कॉलर लुक है, और आगे इसमें इस तरीके से ये इन्होंने बटन क्लोजर दिया हुआ है कि आप एक अंदर एक बटन है तो विजिबल भी नहीं है, एंड बहुत ब्यूटिफुल कुर्ती है आई वुड से। इसमें पॉकेट है, एंड ये देखिए इसमें बहुत सुंदर सा इन्होंने गोल्डन एंड वाइट का पूरा ये ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है पूरी कुर्ती में, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। और ये एक विंटर की पार्टी कुर्ती है, तो आप इसे अगर गोल्डन कलर के, जैसे हम लोग के पास होता है स्कर्ट्स वगैरह, उस तरीके के साथ पेयर करोगे विंटर्स में ना, अंदर वार्मर्स वगैरह डाल लीजिए और उसके बाद ये कुर्ती, एंड नीचे अगर आप एक लॉन्ग स्कर्ट और साथ में अगर स्टोल लेना चाहें तो स्टोल तो बहुत सुंदर लुक देता है, और प्लेन कुर्तीज के साथ एक कुछ अच्छी सी एक्सेसरीज डालिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को ये कलेक्शन पसंद आया होगा, और मैं इन सब के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इजीली फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।